नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। 3 मई को होगा बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन। 15 मई को आयोजित होगी CDPO की परीक्षा। अनारक्षित कोटे से रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। 1 जुलाई में 5 वर्ष तक ही रहेंगे इंस्पेक्टर से सिपाही। धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले बने व्यक्ति। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 3 मई को होगा बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन। राजधानी पटना में बन रहे बिहार का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो गया है। सरकार की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के मार्ग में एक और सफलता सरकार को मिलने वाली है। इस मंदिर के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहारी के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर को तैयार करने में लगभग 10 साल का वक्त लग गया है। इस मंदिर की लागत करीब 100 करोड़ है। अब बस इस मंदिर के उद्घाटन का इंतजार है। इस मंदिर के उद्घाटन के लिए 5 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन 3 मई को किया जाना है, लेकिन 1 मई से ही कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। शारीरिक शिक्षक बनने के लिए 11 अप्रैल से कर सकते हैं आवेदन। शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन करने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। शारीरिक शिक्षक की बहाली प्रक्रिया हर हाल में मार्च तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षक की बहाली के लिए 11 अप्रैल से आवेदन मांगे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 26 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसके बाद 28 मई को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा अधिकारी के अनुसार 100 से अधिक छात्र संख्या वाले प्रारंभिक स्कूल में फिजिकल टीचर की नियुक्ति होनी है। आपको बताते चले कि शारीरिक शिक्षक के लिए कुल 8,386 पदों पर बहाली होनी है। 15 मई को आयोजित होगी CDPO की परीक्षा। BPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का इंतजार कर रहे बिहार के छात्रों के लिए अहम खबर यह है कि आयोग 15 मई को CDPO की परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए लगभग 1,80,000 आवेदन मिल चुके हैं। प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए अभी तक 12,000 आवेदन मिले हैं, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन लिया जाएगा। वहीं आयोग ने कहा है कि 67वीं BPSC मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल तक जारी करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें कुल 6 लाख अभ्यर्थी PT में शामिल हुए थे। सार्वजनिक जल स्रोतों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए अप्रैल से चलेगा अभियान। बिहार के तमाम सार्वजनिक जल स्रोतों पर जमाए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार अभियान चलाएगी। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर कहा है कि जल जीवन हरियाली के तहत बिहार के तमाम सार्वजनिक जल स्रोत पर जमाए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। यही नहीं, मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि सभी सार्वजनिक नदी और तालाब को अतिक्रमणकारियों और जमे भूमाफियाओं को हटाने के लिए सरकार का डंडा चलेगा और इसकी शुरुआत अप्रैल महीने से की जाएगी। आपको बताते चले कि इस अभियान की शुरुआत 2019 में हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस पर सही तरीके से काम नहीं हो पाया है। झुलसाती गर्मी से लोगों ने ली चैन भरी सांस। मार्च महीने में झुलसाती हुई गर्मी से प्रदेश के लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। पूर्वा हवा के प्रवाह और सूरज की तपिश कम होने से राज्य का मौसम सुहावना हो गया है। यही नहीं, पूर्णिया सहित बिहार के कई जिलों में बारिश भी हुई है। वहीं राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने से तापमान में काफी कमी आई है। मौसम विभाग की माने तो 5 से 6 अप्रैल के बीच पूर्वा हवा का प्रवाह पूरे प्रदेश में होगा, जिसके कारण तापमान में आंशिक गिरावट होने के साथ ही लोगों को प्रचंड गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अभी की बात करें तो राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर सभी भागों में पूर्वा का प्रवाह जारी है। दैनिक मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन में की गई वृद्धि। बिहार श्रमिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य के करीब 2 करोड़ से अधिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है। जी हां, दैनिक मजदूरों की मजदूरी शुल्क में रोजाना की दर से 12 से 18 रुपए की वृद्धि की गई। अगर महीने की बात करें तो महीने के करीब 340 रुपए की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दरें अप्रैल महीने से प्रभावी होगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर नई दर तय करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। अगर किसी ने बढ़ाई हुई न्यूनतम मजदूरी दर नहीं दी तो उसे 1 साल की सजा और 3,000 तक का जुर्माना भी देना हो सकता है।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब के लिए सीधे ली जाएगी भर्तियां। अगर आप सामाजिक कामों में दिलचस्पी रखते हैं और इसी से जुड़े रोजगार को पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आपको बता दें कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अगले महीने में वैकेंसी निकालने जा रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही इससे संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग, आउटरीच वर्कर, काउंसलर, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउस फादर, हाउस मदर और अधीक्षक समेत तमाम पदों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। इसके लिए कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं लिए जाएंगे, इसके लिए सीधे भर्तियां निकाली जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि एक बार बनाया गया पैनल 5 साल तक प्रभावी रहेगा। साथ ही कहीं भी सीट खाली होने पर प्राथमिकता के आधार पर पैनल में से ही नियुक्ति की जाएगी। अनारक्षित कोटे से रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की LHB कोच लगकर चलने वाली 30 जोड़ी ट्रेनों में 1302 सीटें बढ़ाई गई हैं। हर ट्रेन में 31 सीट बढ़ने से सफर करने वाले यात्रियों के लिए सहूलियत होने वाली है। पूर्व मध्य रेल की 30 जोड़ी ट्रेनों में पावर कार की जगह LSLRD कोच लगाए जा चुके हैं। इसमें सभी ट्रेनों में सामान्य श्रेणी में 31 सीट बढ़ गई है। इसके बाद कुल मिलाकर 1302 सीट बढ़ाई गई है। कैग रिपोर्ट में सामने आया परिवहन विभाग की लापरवाही। बिहार विधानसभा में बीते दिन कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बिहार सरकार के व्यवस्था की पोल खुल गई है। कैग की इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य से लेकर कई क्षेत्रों में गड़बड़ी सामने आई है। इस रिपोर्ट में परिवहन विभाग की भी भारी गड़बड़ी सामने आई है। परिवहन विभाग के अफसरों की लापरवाही से सरकार को लगभग 70 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो सकी। कैग रिपोर्ट के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी ने 22,684 वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र रिन्यू नहीं किया, जिसकी वजह से सरकार 48 करोड़ 36 लाख की वसूली नहीं कर सकी है। भारत नेपाल के बीच 2 अप्रैल से बहाल हो सकती है रेल सेवा। भारत नेपाल के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर से भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवा जल्द शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को नव अमान परिवर्तित जयनगर जनकपुर कुर्था रेल लाइन पर यात्री रेल सेवा का परिचालन पुनर्बहाल हो सकता है। भारत और नेपाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अपने साथ फोटोयुक्त जरूरी पहचान पत्र साथ में रखना होगा। इसके साथ ही उम्मीद ये भी की जा रही है कि नेपाली ट्रेनों का परिचालन भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। एक जिले में 5 साल तक ही रहेंगे इंस्पेक्टर से सिपाही। बिहार विधानसभा में बीते दिन बिहार पुलिस में संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया। इस विधेयक के नव प्रावधान के अनुसार इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक किसी एक जिले में अधिकतम कार्यकाल 6 की जगह 5 वर्षों का ही होगा। नहीं किसी एक पुलिस इकाई में और रेंज में अधिकतम 8 वर्षों तक रह सकते हैं। इसके अलावा किसी पुलिस इकाई में इंस्पेक्टर से सिपाही तक का अधिकतम कार्यकाल क्या होगा, इसके लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं था। ऐसे में किसी एक इकाई में पुलिसकर्मियों का कार्यकाल 8 वर्षों तक के लिए निर्धारित करने का प्रावधान विधेयक में किया गया है। मुख्यमंत्री ने किया स्पष्ट, इन लोगों को नहीं दिया जाएगा मुआवजा। बिहार विधानसभा में बीते दिन मुख्यमंत्री ने शराबबंदी में की जाने वाली संशोधन को पेश किया और वो विधेयक पास भी हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब पीकर किसी की जान जाती है तो उनके परिवार को किसी प्रकार का राहत सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री ने बीते दिन शराबबंदी संशोधन पारित करने के दौरान कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी सर्वे और करा रहे हैं, बहुत लोगों ने शराब छोड़ी है। मुख्यमंत्री ने पुलिस की मिलीभगत और निगरानी तंत्र विफल होने की बात करने वालों को सीख दी कि कोई गड़बड़ी करता है तो उसकी प्राइवेटली सूचना जरूर दे। बजट सत्र के आखिरी दिन माले के 8 विधायकों को किया गया मार्शल आउट। आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कड़े तेवर दिखाते हुए माले के 8 विधायकों को सदन से मार्शल आउट कर दिया। इससे पहले कल भी अध्यक्ष ने AIMIM के विधायक को सदन से मार्शल आउट किया था। दरअसल विधायक को मार्शल आउट करने की घटना बीते बुधवार को भी हुई थी, जब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को वेल में आकर विरोध जताने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल बुला लिए थे, जिसके बाद विधायक जी को जबरन टांग कर सदन से बाहर ले जाया गया था। वही मंजर आज भी विधानसभा में देखने को मिला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। जानिए अपने शहर में पेट्रोल की कीमत। देश के साथ साथ बिहार में भी लगातार 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में हो रहे इजाफे की वजह से पेट्रोल अभी 110 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। अगर जिलावार पेट्रोल डीजल के दामों पर एक नजर डालें तो राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 111.68 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.68 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की दाम 113.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 98 रुपए प्रति लीटर है। दरभंगा में पेट्रोल की कीमत 112.35
रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 97.29 रुपए प्रति लीटर है, जबकि मधुबनी में पेट्रोल की कीमत 113.07 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97.96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसी तरह बिहार के करीब 20 से अधिक जिलों में पेट्रोल की कीमत 110 से ऊपर है। धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बने। भारतीय क्रिकेट टीम और आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़े करदाताओं की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आए हैं। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने इस साल एडवांस टैक्स के रूप में 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और अनुमान ये भी है कि एडवांस टैक्स के रूप में जमा की गई रकम के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के दौरान धोनी की आमदनी 130 करोड़ रुपए से अधिक की है। धोनी इस साल भी झारखंड के सबसे बड़े टैक्स देने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद फिरोज आलम, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, राकेश महतो, मंटू सिंह, पुष्कर भारती, मोहम्मद शादाब आलम, मुन्ना कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार से खुलने वाली ट्रेनों में यात्रियों के लिए उचित सुविधा मिल पाती है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।